फिर एक नया दिन, नए अपॉर्चुनिटी एंड एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है आपका अपना YouTube चैनल द माइलस्टोन्स हंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का फ्यूचर यानी ई बाइक के बारे में। इंडिया का ई बाइक मैन्युफैक्चरर ईवी के तरफ से आने वाला विंट मॉडल के बारे में। ईवी एक इंडिया बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरर है जिसका प्रोडक्शन प्लांट है ओडिशा का मंचेश्वर में। ईवी का बहुत सारा मॉडल आता है जो कि आपको धीरे धीरे ये इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ईवी का जो विंड मॉडल आता है उसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलता है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। आज हमारे पास है रेड कलर। थैंक्स टू आरएम एंटरप्राइज हमें रिव्यू के लिए ये स्कूटर प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों, आप में से कोई अगर कोलकाता या वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हो या इस बाइक के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हो तो स्क्रीन में आ रहा नंबर पे कॉल कीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों, ईवी का विंड मॉडल जो आता है वो नो डाउट एक स्टाइलिश स्कूटर है। हालांकि लुक जो है वो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। जब तक आप नहीं चलाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। फ्रंट लुक का अगर बात करें तो सामने की तरफ आपको एक बढ़िया सा LED TRL मिलता है और नीचे दोनों तरफ आपको तीन तीन LED सेटअप मिलता है एंड बीच में आपको मिलता है एक प्रोजेक्टर टाइप LED हेडलैम्प जिसका इल्यूमिनेशन ज़्यादा ब्राइट नहीं है बट कम चल जाएगा। अगर आप हैंडल बार की तरफ देखें तो आपको देखने को मिलेगा दो हैलोजन टाइप टर्न इंडिकेटर जो मेरे ख्याल से अगर LED होता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, अगर इंजन के बारे में बात करें तो यहां पे आपको ईवी विंड में 250 वाट का मोटर मिलता है और आपको मिलता है 60 वोल्ट 27 एम्पियर का लेड एसिड टाइप बैटरी। अगेन यहाँ पे भी अगर लिथियम टाइप बैटरी दिया जाता तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता। एक बार अगर बैटरी को आप चार्ज करते हो तो उसका टाइम लगता है 7 से 8 घंटा और एक बार अगर आप फुल चार्ज कर लेते हो तो आप 50 से 60 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच चला सकते हो। अगर दोस्तों सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो ईवी विंड का सीट जो है काफ़ी अच्छा है दोनों पैसेंजर के लिए, यानी कि राइडर एंड पिलियन के लिए। मैं खुद राइड भी किया हूं और पिलियन बैठ के भी देखा हूं। सीट जो कैपेसिटी है या सीट का जो कंफर्ट है बहुत ही अच्छा है। सीट के नीचे आपको मिलता है बैटरी केस जहाँ पर बैटरी को रखा गया है।
दोस्तों अब आते हैं टायर एंड शॉकर के बारे में। सामने और पीछे में दोनों तरफ आपको 90/100 सेक्शन का 10 इंच का व्हील एंड ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा। और दोस्तों विंड में आपको आता है रैल्को कंपनी का रोड ग्रिप टायर। आगे की तरफ अगर आप देखें तो ट्विन टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्ब्स आपको दिया गया है एंड पीछे में स्प्रिंग लोडेड शॉक एब्जॉर्ब आपको मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं हैंडल बार के ऊपर जो स्विच है उसके बारे में। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो हैंडल बार के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा हाई लो बीम स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच। दोस्तों एक मजे की बात, इंडिकेटर स्विच के अंदर एक डेडिकेटेड कैंसलेशन स्विच आपको मिलता है एंड राइट साइड में आपको मिलता है हैजर्ड स्विच, लाइट ऑफ ऑन स्विच, पार्किंग स्विच जो कि आप कह सकते हो टाइप ऑफ न्यूट्रल स्विच। इसको अगर प्रेस करते हो तो आपका जो LCD कंसोल है वहाँ पे गो दिखाएगा, उसमें से आप राइड स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पार्किंग को और एक बार प्रेस करते हो तो ये बाइक आगे नहीं जाएगा। एंड डेडिकेटेड मोड स्विच मिलता है। दोस्तों मोड स्विच का फंक्शन आपको थोड़ा बता देते हैं। इस स्विच के जरिए आपको इस बाइक में दो राइडिंग मोड मिलता है। फर्स्ट मोड में आपको मिलता है 40 km/h का टॉप स्पीड, हालांकि उसमें आपका बैटरी रेंज कम हो जाता है। एंड सेकंड मोड में आपको मिलता है 28 km/h का टॉप स्पीड और इसमें आपको मिलता है बैटरी रेंज 60 km का। हैंडल बार के थोड़ा नीचे देखें तो वहां पे आप की होल मिलता है जहां पे आप की इंसर्ट कर सकते हो। और की होल के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में आपको एक बढ़िया सा बॉटल होल्डर मिलता है जहां पे आप 1 लीटर पानी बोतल आराम से रख सकते हो। और बगल में दाहिने तरफ आपको मिलता है एक फाइल होल्डर जहां पे आप बहुत किस्म के कुछ सामान वामान यहां पे रख सकते हो। और बॉटल होल्डर के ठीक ऊपर आपको एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। दोस्तों EV विंड के बारे में अगर बात करें, इसका बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और स्टाइलिंग भी है। और यहाँ पे अगर स्टिकरिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी स्टिकरिंग भी किया गया है, हालांकि मुझे कहीं भी अननेसेसरी नहीं लगा। दोस्तों ये था पूरा स्पेसिफिकेशन। चलाने के बाद पता चला इसका जो सस्पेंशन है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो दोस्तों ये था EV के तरफ से आने वाला विंड मॉडल के बारे में डिस्कशन। विंड मॉडल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कोलकाता में इसका प्राइस है 62,000।
कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आगे आपको मिले। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।